20 सितंबर लक्ष्मी का वार, आज है शुक्रवार और श्राद्ध पक्ष का आज तीसरा श्राद्ध है। कुंडली में बन रहा है ध्रुव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से अपनाई गई स्ट्रेटेजी आज आपको ग्रोथ देगी। चंद्रमा और केतु का षडाष्टक दोष यात्रा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। वहीं चंद्रमा और बुध का नवम पंचम राजयोग सामाजिक स्तर पर दिखावे से दूरी बनाइए। अगर आप जॉब में इंटरव्यू के लिए सफलता पाने के लिए आज कहीं जा रहे हैं तो तृतीया तिथि के श्राद्ध पर विशेष उपाय करना न भूलें। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे उत्पाद के चौघड़िये के महत्व के बारे में। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 20 सितंबर शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। बात उस जमाने की है जब राजा और महाराजा हुआ करते थे। एक ब्राह्मण देवता एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक अशर्फी मिलती है। उस जमाने में अशर्फियां हुआ करती थी। वो महात्मा ने अशर्फी ली और ये सोचा कि मेरे तो किस काम की है, मेरा तो जीवन ही विरक्त है, किसी गरीब को जो जरूरतमंद है उसको मैं दे दूंगा। उसे बहुत तलाश की, कोई गरीब नहीं मिला। इतनी देर में एक राजा की सवारी जा रही थी जो दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहे थे आक्रमण करने के लिए। तो साधु ने वो सिक्का जो है अशर्फी वो राजा के ऊपर फेंक दिया। राजा नाराज भी हुआ और आश्चर्य भी करते हैं क्योंकि महात्मा ने वो सिक्का फेंका था। उन्होंने महात्मा से पूछा कि ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये अशर्फी जमीन पर मिली थी और मैंने सोचा किसी गरीब को दे दूंगा, लेकिन मुझे कोई गरीब नहीं दिखा तुम्हारे अलावा राजन। वो कहते हैं मैं गरीब कैसे हुआ। वो कहते हैं कि तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा राज्य है, उसके बाद दूसरों पर आक्रमण करके उसे अपने साथ मिलाना चाहते हो, युद्ध करके लोगों की हत्याएं करना चाहते हो, तो तुम्हारे से बड़ा कोई गरीब नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने ये सिक्का तुम्हारे ऊपर फेंक दिया है। प्रिय साथियों, क्या सीख मिलती है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये आपको संतुष्टि दे सकता है। हाय धन से आप अपनी जिंदगी के सुख चैन और सुकून को गंवा बैठेंगे। जरा इसे गौर से सोचिएगा, देखिएगा आपका दिन कैसे शानदार बनता है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 21 सितंबर को मुंबई हूँ, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली, 29 सितंबर लखनऊ, 5 अक्टूबर मुंबई और 6 अक्टूबर को मैं बेंगलुरु रहूंगा। इसके अलावा दूसरा स्केड्यूल आपको जल्द मिलेगा। प्रिय साथियों, काले घोड़े की नाल का प्रयोग किस दिशा में रखना चाहिए और क्या उसके लाभ है, शनि दोष से कैसे मुक्ति मिल सकती है, यह विशेष कार्यक्रम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसे देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 9:15 तक तृतीया और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ मिल ही रहा है और सर्वा सिद्धियों का साथ भी मिल रहा है, लेकिन आज ध्रुव योग भी नया बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शशु का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई मीटिंग करनी है, उसके लिए शुभ समय दो बार मिलेंगे। पहला सुबह 8:15 से 10:15 तक लाभ और अमृत का चौघड़िया, दोपहर को 1:15 से 2:15 तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से 12:30 तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आई राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि में ही चंद्रमा रहेंगे जो मन को थोड़ा विचलित और अशांत कर सकते हैं। जो लोग पब्लिशिंग बिजनेस में हैं, गेमिंग जोन, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, टेलीविजन से जुड़े हुए लोग हैं, एडवर्टीजमेंट, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को आज बढ़ोतरी मिलेगी। व्यापार को अच्छा चलाने के लिए शेयर बाजार और जमीन में अच्छी डील आपको मिल सकती है और डिस्काउंट रेट पर आपको बड़ा अच्छा कोई आज पैकेज मिल सकता है, कोई अच्छा स्टॉक आप मेंटेन कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर एक्सपीरियंस की कमी से कुछ चुनौतियों का जॉब करने वाले लोगों को सामना करना पड़ेगा। जो लोग टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की पोस्ट चाहते हैं उन्हें आज जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज करियर बनाने के लिए दूसरों की तरफ नहीं अपने गिरेबान में झांकिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और आज पार्टनर का व्यवहार थोड़ा सा रूखा हो सकता है, उन्हें मनाने की कोशिश करेगा। संभावना है कि आज आपकी जेब भी ढीली हो जाए।
सेहत के मामले में आप लकी हैं, यात्रा में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखिएगा। वृषभ राशि, नए संबंध और नए संपर्क कभी भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं हर कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट ही दिलवाए, आपको डिस्ट्रैक्ट भी करने के लिए लोग जुड़ेंगे। जो लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर सेक्टर से, फिटनेस से, वेलनेस सेंटर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आज बेहतर दिन है। स्पा सलोन जिम चलाने वाले लोग, कैफे चलाने वाले लोग, फूड एंड बेवरेजेस से जुड़े हुए लोगों को आज काम में मजबूती मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ थोड़ा अलगाव हो सकता है और अलगाव का बीज भी फूट सकता है, इसलिए कोई गलतफहमी आज ना हो, ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। वर्क प्लेस पर आप अपने काम को गॉसिपिंग से वेस्ट ना करें। मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोगों को, जॉब करने वाले लोगों को आज थोड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। फैमिली में सभी आपके बदले हुए बिहेवियर से थोड़े परेशान रहेंगे। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको अपनी सेहत के लिए भी विशेष समय निकालना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दीजिए। कोऑर्डिनेशन बिठाओगे तो आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आज कुछ स्पेशल कर पाएंगे। जो लोग अक्सर दूसरों के लिए नेगेटिव बातें करते हैं, आज आपके लिए भी लोग नेगेटिव बातें करने वाले हैं, इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जी और जान दोनों लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, समय आपका है। ड्राइव करते समय नींद आ सकती है और ड्रिंक और ड्राइव के बारे में तो सोचना भी मत। मिथुन राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाने का काम आज आप करने वाले हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्रेनिंग सेंटर हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई काम करते हो, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर लोगों के लिए आज चांदी वाला दिन है। व्यापारियों को आज समय निकालकर खुद को भी अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए गैजेट्स की तरह। बिजनेस पर्सन की मेहनत आज जाया नहीं जाएगी, पिछला बकाया भी आज आप प्राप्त कर लेंगे। सेल्स परचेस मार्केटिंग से जुड़े हुए जॉब करने वाले लोगों को आने वाले फेस्टिवल सीजन या स्पेशल ओकेजन के लिए थोड़ा बॉस से कोई प्रेशर ज्यादा मिल सकता है। वर्क प्लेस पर आप पहले वाली गलतियां फिर दोहराने वाले हैं, इसलिए इससे दूर रहिए। दूसरों के अनुभव से सीखने की क्षमता आपके भीतर रहेगी। हार्ट पेशेंट बदलते मौसम से थोड़ा सचेत रहें। आपके भीतर पर्यावरण संरक्षण, थोड़ा नेचर के प्रति विश्वास होना चाहिए और नेचर से जुड़ने का काम करिए। आप देखिएगा आपका मन बहुत पवित्र हो जाएगा। सामाजिक स्तर पर आप नहीं आपका काम बोले। घर में किसी अप्रिय चर्चा में आप शामिल न हो, वरना बात का बदंगड़ बन जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मुद्दे सुलझाइए और मत उलझाइए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज सक्सेस की मां के चरणों में बैठ जाओगे तो आशीर्वाद से मिल जाएगा। कर्क राशि, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पिता के आदर्शों पर चलना न भूले, उनकी बातों का अनुसरण करिए। ध्रुव सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से काम में सिद्धि होगी। अटके लटके भटके काम या प्रोजेक्ट पूरे होने के लिए थोड़ी मेहनत बशक्कत ज्यादा करनी होगी और आज कहीं से लाभ की डील मिल सकती है। लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट सर्विस, शिपिंग और ऐसे लोग जो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को स्टाफ को रिशफल करना चाहिए। वर्क प्लेस पर अपने किसी पर्सनल रीजन से आप किसी काम को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे, इसके ऑफिस टेबल को डाइनिंग टेबल ना बनाएं, डाइनिंग टेबल को ऑफिस टेबल ना बनाएं। सेल्स परचेज मार्केटिंग पर विशेष रूप से व्यापारियों को ध्यान देना चाहिए। जो लोग सिविल, मैकेनिकल या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा आज ध्यान ज्यादा देना चाहिए। सेहत को लेकर कुछ इश्यूज सामने आने वाले हैं। अगर मकान बदलने या किराए का हो या खरीदना हो, उसके लिए आज समय निकालना चाहिए और सिर्फ देखना चाहिए, और जब श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाए तब डील कर लीजिए। फैमिली में किसी खास से आपको अचानक से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संतान का हौसला आज आप बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों के साथ वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। सामाजिक स्तर पर दिखावे से दूरी बनाइए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, हेल्दी कॉम्पिटिशन करिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करिए, मजा आ जाएगा। प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में चार राशि के बाद, अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू में जाना चाहते हैं या कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आज तृतीय तिथि श्राद्ध के लिए विशेष उपाय करना न भूलें। आज के विशेष उपाय में उन व्यक्तियों के लिए विशेष है जो जॉब बदलना या जॉब के लिए कुछ करना चाहते हैं। जिनके हाथ सफलता नहीं है, परेशानी आ रही है, वे आज शाम को एक पानी वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार इस प्रकार से उबार कर बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं। बहता जल न हो तो आप किसी मंदिर में रखा है और आसपास कहीं कोई ब्राह्मण देवता हो तो उन्हें आज सूखी खाद्य सामग्री यानी अनाज भेंट कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए और भर पेट उन्हें भोजन करवाइए। पितरों से प्रार्थना करिए, पीपल के पेड़ के नीचे शाम को पितरों से आपको ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। सिंह राशि, आज साहस, करेज और एंथुजियाज्म के साथ आध्यात्मिक शक्ति भी आपकी बढ़ने वाली है। ध्रुव और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से समझदारी और चतुराई से आप बेहतर काम कर पाएंगे।
ऑनलाइन व्यवसाय में लाभदायक डील हो सकती है और बिजनेस में चैनल पार्टनर की हिस्सेदारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। जो लोग टूर्स एंड ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, लॉजिस्टिक और कोई भी ऐसा काम जो सीजनल काम है, स्पा सैलून जिम चलाते हैं और फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, आपको टैक्स की प्रॉब्लम आ सकती है, रूल्स को जरूर फॉलो करेगा। कस्टमर का सपोर्ट अच्छा रहे इसके लिए CRM एक्टिव करिए, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, और बेहतर आपको आज ब्रोकरेज मिल सकती है अगर आप ब्रोकरेज का काम करते हैं। प्रिय साथियों, कस्टमर के पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक पर भी ध्यान आपको देना चाहिए। कस्टमर रिलेशन के लिए आपको एक नई टीम को भी हायर करना चाहिए और साथ में सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। टीम में आत्मबल बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल आपको करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को नजदीकी परीक्षा के चलते आज थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना न भूलें और गॉसिपिंग पे टाइम मत लगाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज आपकी खोज पूरी हो जाएगी और नए और पुराने दोस्तों के साथ आज ट्रेवल करने का मौका मिलेगा। संतान से जुड़ी हुई कोई खबर आपको खुश कर सकती है। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन की आज परफॉर्मेंस ट्रैक पर आने वाली है। कन्या राशि, यात्रा में बाधा आ सकती है, इसलिए यात्रा ना या ना के बराबर करें। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, वेलनेस, स्पा सैलून, जिम चलाने वाले लोग, कपड़ा गारमेंट्स जिसे हम कहते हैं, या फिर ज्वेलरी से जुड़े हुए लोगों को और खाने पीने की चीजों से जुड़े हुए लोगों को आज लाभ मिलेगा और समस्याओं से निजात मिलेगी। बिजनेस पर्सन को स्टॉक को स्टोर करने से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कुछ भी स्टोर करने की कोशिश ना करें, बल्कि पुराने ओल्ड स्टॉक को नई स्कीम के साथ निकालिए और उस प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए जो ज्यादा चलता है। जॉब करने वाले लोगों के अधिकारी आज आपसे नाखुश होने वाले हैं। कस्टमर सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए अपने स्किल क्वालिटी के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। परिवार में बढ़ते हुए खर्च चिंता का कारण बन सकते हैं। दोपहर तक हालात थोड़े तनावपूर्ण रहेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तनाव टेंशन ये खुशियों को दूर कर देता है। इससे जो प्राप्त है वही पर्याप्त है और हर काम को खुश रहकर करेंगे तो मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे। पेट में तकलीफ या पेट दर्द आपको परेशान कर सकता है, अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाइए, अन्यथा आने वाले दिनों में पैसे की तंगी हो सकती है। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट को समय की कीमत समझना बहुत जरूरी है। बात करते हैं तुला राशि की। आज प्रोफेशनल तरीके सोचिएगा, अपने लाभ के बारे में सोचिए लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा कर नहीं। ध्रुव और सर्वार सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में आपके द्वारा अपनाई गई स्ट्रेटेजी और लिए गए डिसीजन ग्रोथ दिलाएंगे। प्रॉपर्टी डेवलपर यानी रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग और साथ में बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए लोगों को आज दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना है और मेहनत ज्यादा करनी है, लाभ की कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। नौकरी में जितना आप शांत और मौन रहेंगे आज उतना ही संतुलित दिन रहेगा। सेल्स परचेस मार्केटिंग या टारगेट बेस्ड जॉब करने वाले लोगों के प्रयास आज बढ़ने चाहिए। कठिन काम को देखकर आप परेशान न हो, शांत मन से फोकस करोगे तो कठिन को भी आसान बना देंगे। सोशल काम कर रहे हैं तो आपके साथ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। पैतृक संपत्ति के विवाद बढ़ने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ यादों भरे पल आप बिताने वाले। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो घर पर नहीं, घर से बाहर या किसी दोस्त के यहाँ पर पढ़ाई आपको बेहतर मिल सकती है। सक्सेस के लिए अपनी गलतियों से अब सबक सीख लीजिए। वृश्चिक राशि, ज्ञात या अज्ञात दुश्मनों से थोड़ा सावधान रहिए और दुश्मनी को खत्म करिए। रियल एस्टेट के कारोबारियों के लिए आज थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेगा। जब तक आज आपका कोई काम नहीं हो जाता, जेब में पैसे ना आ जाए, किसी को बोले नहीं, क्योंकि आपकी कही गई बात आपको ही नजर लगा देगी। बिजनेस में आपका वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए और रूटीन को थोड़ा बदलोगे तो छलांग लगा पाओगे। नौकरी में कुछ नियमों को आप खुद बनाएंगे जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई भी डिसीजन इमोशंस पे आकर न लें। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना आज शुभ रहेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज की जॉब करने वाले लोग, HR, मार्केटिंग और ऐसे लोग जो परचेस डिपार्टमेंट हैं, उन लोगों को जॉब में आज थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको आनंद ही आनंद मिलता जाए, ऐसे हम लकी नहीं है, लेकिन परिवार का सहयोग आज आपको जरूर करना चाहिए। सामाजिक स्तर पर आपके काम की प्रशंसा आज होने वाली है। सर दर्द या बदन दर्द परेशान करेगा। वीकेंड पर दोस्तों और परिवार के साथ आज ट्रैवल संभव है। आपको संकल्प को लेकर आज लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप देखिए जल्दी आपको तरक्की मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फोकस्ड रहिए, ये दिन आपका है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्राद्ध पक्ष स्पेशल बात करते हैं कि श्राद्ध पक्ष में कौओं के भोग का क्या महत्व है और क्या रहस्य है। श्राद्ध का पहला भोग कौए को चढ़ाया जाता है। ये परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। हिंदू पुराणों में कौए को देव पुत्र माना जाता है। पुराणों में यह उल्लेख आता है कि जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया
तब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धर के माता सीता को घायल कर दिया था। तब भगवान श्री राम ने गुस्से में तिनके से ब्रह्मास्त्र चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए पर क्षमा मांगी तब दयावान भगवान श्री राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोग भोजन के रूप में पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा है। कौवे को भोजन करवाने से काफी हद तक पितृ दोष और काल सर्प योग राहु केतु जनित दोषों में कमी आती है। इसके अलावा शनि से संबंधित दोषों में भी कमी आती है और शनि दोष भी समाप्त होते हैं। धनु राशि, आज आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। कुछ नया पढ़िए, लिखिए, अपनाइए और आज कुछ स्पेशल करिए। ध्रुव और सर्वार सिद्ध योग के बनने से बिजनेस में आपके हाथ नई डील लगने से ग्रोथ मिल सकती है। जो लोग एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल या फिर फार्मर्स हैं, उन लोगों या उन व्यापारियों के लिए आज मार्केट से कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। वर्क प्लेस पर किस्मत का पहिया आपके साथ चलने से आपके काम आज बन ही जाएंगे किसी की मदद के द्वारा। सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब करने वाले लोग आज टारगेट को अचीव कर ही लेंगे। परिवार में नई योजनाएं आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए स्पेशल काम करेंगे। आपका ऑनलाइन केयरिंग रवैया लव पार्टनर का दिल जीतने में मदद करेंगे। संपत्ति को खरीदना या बेचने का फैसला आज न लें, सिर्फ उस पर मीटिंग कर सकते हैं। सही मार्गदर्शन आज आपको मिल जाएगा। आपको मन को शांत और जुबान को आराम देने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और अपने ईष्ट की आराधना से दिन की शुरुआत करेगा, दिन बेहतर बन जाएगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं। सोशल लेवल पर आपके साथ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एक और प्रयास, लगातार प्रयास आपको संतुष्ट बना देंगे। मकर राशि, परिवार की सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए उनकी तरफ। शेयर बाजार, इंश्योरेंस और फाइनेंस से जुड़े हुए जॉब या बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन शुभ है। कस्टमर का फीडबैक जरूर आपको लेना चाहिए। बिजनेस में रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना आज नहीं है। सितारे आपके पक्ष में नहीं है, किसी उधार देने के लिए भी। कोई भी बात आपको किसी से छुपाने के लिए अगर कही गई है तो उसे छुपाने में ही फायदा है। जो लोग रिक्रूटमेंट का जॉब या बिजनेस करते हैं, कोई ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, एजुकेशन सेंटर चलाते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग काम करते हैं, उन लोगों के लाभ मिलेंगे। आज अपने पेपर, वैल्यूएबल चीजों को और टेक्नोलॉजी को संभाल के रखिएगा, घूमना या मिसयूज का खतरा रहेगा। वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा वर्कलोड बढ़ने से आपकी थोड़ी टेंशन बढ़ जाएगी और वीकेंड को प्लान जो बनाया है वो धराशायी हो सकता है। पारिवारिक समस्याओं और झगड़ों को सुलझाने में आज आप थोड़े व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपकी वजह से झगड़े बढ़ न जाए इसलिए जुबान को शांत रखिएगा। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए और उनकी उलझनों को दूर करने का आज बेड़ा उठाइए। सेहत के मामले में आप लकी हैं, लेकिन ट्रैवल में ध्यान ज्यादा रखिएगा। सामाजिक स्तर पर आपके नेगेटिव पब्लिसिटी कोई कर रहा है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज जिस चीज में मन चाहता है, जिस काम में दिल चाहता है, वही काम करिए। कुंभ राशि, साहस, करेज और एंथुजियाज्म आज डेवलप होगा। कुछ स्पेशल कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आएगी। ध्रुव और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में आ रही कठिनाइयों को किसी और के इंटरफेरेंस की वजह से आप दूर कर पाएंगे। व्यापारियों के द्वारा पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ उस पर पहले ध्यान दीजिए, फिर नए इन्वेस्टमेंट आपको करने चाहिए। बेरोजगार लोगों को आज जॉब मिल सकती है। शत्रुओं को नहीं, शत्रुता को पराजित करिए और ट्रैवल में सावधानी रखिए। परिवार का मार्गदर्शन मिले तो आपके लिए आज बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं वो। फैमिली में किसी से हो रहे पुराने विवाद आज सुलझ जाएंगे और आज फिल्म देखना, म्यूजिक एंटरटेनमेंट का शौक है तो वो आज पूरा होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ तालमेल बिठाएंगे तो आज एक टॉनिक का काम ये करने वाला है। मन की शांति के लिए ध्यान लगाना आज न भूलें। सेहत के मामले में जंक फूड और स्ट्रीट फूड से दूरी बनाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने टैलेंट का लोहा आज मनवा ही लेंगे और आज अपने जो रूटीन है उसको थोड़ा बदल के आप कुछ स्पेशल फील करने वाले जो अच्छा होगा। मीन राशि, पैसे से पैसा कमाने के बारे में सोचिए और साथ में रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के बारे में भी सोचिए और सही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। जो लोग इंश्योरेंस, फाइनेंस या शेयर बाजार का काम करते हैं, उन लोगों को नई डील मिल सकती है, नए कस्टमर और नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, लेकिन पुराने क्लाइंट का प्रेशर आप पर बना रहेगा। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए आज अनुभवी लोगों की सलाह आपको बेनिफिट दे सकती है। मार्केट की स्टडी करने के बाद व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को स्टोर करने के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग जर्नलिस्ट है, वीडियो एडिटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, आईटी प्रोफेशनल है, आज उनको सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, नए प्रोजेक्ट हाथ लग सकते हैं।
वर्क प्लेस पर आप अपने लक के भरोसे नहीं बैठे, क्योंकि लक खुद आपके भरोसे बैठे, आप कुछ करें तो आगे बढ़े, वरना आज आप हतोत्साहित हो जाएंगे और संदेह आज किसी पर आपको ज्यादा होने वाला है। परिवार में दिन आपके लिए पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। यदि मन किसी दुविधा में है तो घर के बड़े बुजुर्गों से बातचीत कर समस्या का समाधान ढूंढने में सफल होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी उम्मीद आज पूरी होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज घर में पहले शांत रहिए, घर के वातावरण को अच्छा करिए और डिसिप्लिन में थोड़ी पढ़ाई और अपने काम पर ध्यान देंगे तो जल्द सफलता मिलेगी। आपको यदि कोई परिस्थिति आपके अनुरूप नहीं दिख रही है तो आज फ्रस्ट्रेटेड मत होना, बस आज का दिन निकाल लेना। फैमिली में सभी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहे, इसके लिए कोई त्याग आपको करना पड़ सकता है। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। उत्पात के चौगड़े का महत्व जानते हैं। उत्पात आप जानते ही हैं कि यह सबसे अशुभ चौगड़े होता है, यानी उत्पात का मतलब यह है कि उल्टा सीधा होना। इसका अर्थ होता है उलट फेर या विनाश। उत्पात का चौगड़िया किसी भी काम के लिए सबसे अशुभ माना जाता है। इसे संकट और विपत्ति का सूचक भी माना जाता है। इसीलिए जब भी हम उत्पात के चौगड़े के बारे में बात करें तो उस टाइम शुभ और मांगलिक कार्य न करें, इस समय महत्वपूर्ण काम करने से बचना चाहिए। उत्पात का चौगड़िया विशेष रूप से तब हानिकारक होता है जब व्यक्ति बिना उचित मुहूर्त के काम करता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो माँ लक्ष्मी के साथ आज कुबेर यंत्र स्थापित करके विधिवत पूजा अर्चना करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। आज खीर का भोग लगाएं और 11 मिनट तक ध्यान मुद्रा में बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करिए। कहीं ब्राह्मण देवता दिख जाए तो उन्हें भरपेट भोजन करवाइए। आज दूध और शक्कर का श्रद्धा के अनुसार गरीब लोगों में दान करना न भूलें, पितरों को बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।